केवल झूठ और नफरत के अलावा इनके पास और अरे क्या बोले। लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी मंडल पे उसका वो पालन करें। अब देखते हैं, उम्मीद तो है, आशा है कि जो उन्हीं का बनाया हुआ है मार्गदर्शक मंडल ही सर मुख्यमंत्री था ही नहीं पता चला किस पे बात करें। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई नौकरी रोजगार नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव कभी संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर और लोकतंत्र के मुद्दे पर पीएम पर सवाल उठाते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि पीएम लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को बदलना चाहते हैं। तो कभी वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर पीएम से सवाल करते हैं। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है और उनकी नीतियों पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ घेरा है बल्कि उनसे कई सवाल भी किए हैं। नीचे करो आईडी, नीचे करो आईडी, नीचे करो आईडी ले। इन लोगों के कर्तव्य कर्तव्य में बनवट है, बस कोई विश्वास नहीं कर सकता। केवल झूठ और नफरत के अलावा इनके पास और कुछ नहीं। अरे क्या बोले। लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी पर आपको एक चीज पर विश्वास है, उनकी नीतियों ने 25 करोड़ नौजवानों को ओवर एज कर दिया, नौकरी नहीं निकली, ओवर एज हो गई। आज जो भी ओवर एज हुए सब बेरोजगार हैं। लगभग 25 करोड़ देश भर में नौजवान ओवर एज हो गए गलत नीतियों के कारण प्रधानमंत्री के सर। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी खुद 75 साल के हो गए और मुझे विश्वास है कि अपनी बनाई हुई नीति को मार्गदर्शक मंडल में उसका वो पालन करेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद तो है, आशा है कि जो उन्हीं का बनाया हुआ है मार्गदर्शक मंडल ही अब उसमें वो जाए। क्योंकि अग्निवीर योजना में देखिए 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। ये बड़ा देश के लोग नौजवान गुस्से में है। 25 करोड़ पे मामली संख्या नहीं है ओवर एज की। मुख्यमंत्री अस्वस्थ है इस बार कि चुनाव जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं बीजेपी का एजेंडा चेंज होता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कंफ्यूज हो गए हैं ना, सत्ता से जब बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मुख्यमंत्री था ही नहीं पता चला किस पे बात करें। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई नौकरी रोजगार इस पे तो बोल ही नहीं सकते, महंगाई गरीबी पे सब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रायबरेली अपना अगला प्रधानमंत्री चुनेगा, कैसे देखते हैं इस बयान को? कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ उन्होंने कहा कि हम अपना नया अगला प्रधानमंत्री वहीं से चुनेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब लोग बैठ बिठा करके हम लोग जो है देश के हित में निर्णय लेंगे। वो कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो आपने सुना बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ झूठ और नफरत फैलाते हैं और हिंदू और मुस्लिम करते हैं। इन्होंने 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया है। हाँ, पीएम मोदी ने एक काम जरूर किया है कि उन्होंने 25 करोड़ युवाओं को ओवर एज कर दिया है और आज देश में 25 करोड़ युवा बेरोजगार है। लेकिन मुझे पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है कि अपने द्वारा बनाए गए वो नीतियों का मार्गदर्शक मंडल में पालन अवश्य करेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।